अगर आप क्लासिक हिट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आज आप बिल्कुल सही मंच पर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शैली आनंद आपका स्वागत करती हूं आपके ही मंच पर। दोस्तों, लता आंटी जैसा और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने 4 दशकों से अधिक समय तक हिंदी संगीत उद्योग पर राज किया। मोहम्मद रफ़ी से लेकर उदित नारायण और A.R. रहमान तक उन्होंने विभिन्न युगों के गायकों के साथ गाने गाए और हर शैली में महारत हासिल की। महान गायिका के बारे में कई कहानियों में से सबसे प्रसिद्ध शायद वे है जिसमें कहा गया है कि कैसे नौशाद जी ने उनसे बाथरूम में गाना गवाया था। जिस गाने की बात हो रही है वह फिल्म मुगले आजम का गाना है, जब प्यार किया तो डरना क्या, जिसको रिकॉर्डिंग करते समय ऐसा कहा जाता है कि इसकी रिकॉर्डिंग बाथरूम में की गई थी। 1960 की फिल्म में भारतीय सिनेमा के इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध गाने हैं। आज हमें पता चलेगा कि इस कहानी में कोई सच्चाई है या नहीं। 2010 में लता आंटी ने राजीव मंसद को दिए एक साक्षात्कार में गाने के पीछे की असली कहानी के बारे में बात की थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे डैडी श्री संतोष आनंद जी के साथ लता दीदी ने बहुत काम साथ में किया है। डैडी के साथ भी इस गाने पर उनकी कई बार चर्चा हुई है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे की असलियत। लता दीदी ने गाने में इस्तेमाल किए गए मशहूर इको इफेक्ट के बारे में बात की। याद रखें कि वर्षों पहले इंजीनियरों ने रिकॉर्डिंग के दौरान उपयोग के लिए वही प्रभाव विकसित किया था। लता दीदी ने आगे बताया, ऐसा करने का एकमात्र तरीका गाने की एक ही पंक्ति को 3 अलग-अलग स्थानों पर गाना और फिर रिकॉर्डिंग को ओवरलैप करना था। तो लता आंटी ने एक कमरे से शुरुआत की और फिर एक हॉल में आई और अंत में उस कमरे में पहुंची जहां रिकॉर्डिंग डिवाइस रखा गया था। बाद में उस प्रभाव ने गाने को यादगार बना दिया। लता दीदी ने कहा, इनमें से कोई भी जगह बाथरूम नहीं थी। उन्होंने इस अफवाह का स्पष्ट रूप से खंडन किया, लेकिन कहा कि उन्हें उस गाने पर बेहद गर्व है। तो दोस्तों, आज की रोचक कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। जय हिंद।